नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पूरे देश में कांग्रेस अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। एमपी की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट गुना, इस पर पहली बार बिना सिंधिया परिवार के कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की अगर माने तो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी खोजने के लिए उठा पटक का दौर भी शुरू हो गया है। एमपी की गुना सीट पर आजादी के बाद 1952 से 2019 तक लगातार सिंधिया परिवार का सदस्य ही सांसद चुना गया। पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस यहां बिना सिंधिया परिवार के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से अब गुना में कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती प्रत्याशी के चुनाव में मिल रही है, क्योंकि हर बार तो सिंधिया परिवार या उनका ही कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला ही व्यक्ति इस सीट से चुनाव लड़ा है और जीता भी है। पहली बार अब क्षेत्र में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए नए प्रत्याशी की तलाश कर रही है। कांग्रेस को कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो सिंधिया के सामने खड़ा हो सके, जिसकी सिंधिया से ज्यादा लोकप्रियता और जनाधार हो, इसके लिए तलाश भी शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार बैठकें भी कर रही है। शुक्रवार को अशोकनगर जिले में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा के प्रभारी पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को संगठित करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं ने लोकसभा टिकट के लिए बायोडेटा पेश किया। वहीं क्षेत्र में कांग्रेस पदाधिकारी भी पहली बार लोकसभा टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं की नब्ज टटोल रही है, जिसमें तगड़ी दावेदारी चंदेरी के पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान और कार्यकारी जिला अध्यक्ष दीपक सोनू सुमन कर रहे हैं। अगर इस सीट के इतिहास को देखें, गुना लोकसभा सीट में तीन जिले आते हैं, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। यहां से बीजेपी सिर्फ 5 बारी सफलता हासिल कर पाई, जिनमें से 4 बार विजय राजे सिंधिया सांसद रही। 2019 में केपी यादव यहां चुनाव जीते। 1952 के बाद 65 साल तक यहां सिंधिया परिवार का राज रहा है। गुना शिवपुरी की सीट हमेशा ही चर्चा में रही है, क्योंकि सिंधिया परिवार का सदस्य या उनके करीबी यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते रहे हैं। 1952 से लेकर 2019 तक सिंधिया परिवार के सदस्य ने यहां से जीत दर्ज की। 6 बार राजमाता विजय राज सिंधिया चुनाव जीतकर सांसद बनी। 4 बार भाजपा से, 1 बार स्वतंत्र और 1 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। वहीं 4 बार माधवराव सिंधिया चुनाव जीतकर यहां से सांसद बने। पहली बार जनसंघ से, दूसरी बार निर्दलीय, फिर 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं। इसी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार सिंधिया के गढ़ को साधने के लिए कांग्रेस को कठिन तपस्या करनी पड़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस सीट पर यानी कि गुना लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस जीत पाएगी, या फिर सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से सिंधिया परिवार का ही यहां दबदबा दिखाई देगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।